पूरा ये सब जंगल में ना उन लोग का रहने का पूरा जगह है, इसलिए शायद इधर ही आ गए हैं, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं शायद, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा आ रहा है। 20-25 को हाथी आए हुए हैं और इधर ही आ गए हैं हमारे ही एरिया में, और हम लोग को काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि माँ पिताजी भी नहीं है। ये देखिए कौन इतना रात को ला रहे हैं, हाथी उठे के कंधे का हल्ला सुना है ना, हुंधी हाथी। चलिए जी फटाफट चढ़ते हैं छत के ऊपर, लक्ष्मी ले लीजिए, लक्ष्मी ले लीजिए। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय है और अभी हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा धूप आ रहा है और कविता जी को हल्का हल्का ठंडा लग रहा था दोस्तों, इसलिए ये बोले कि थोड़ा सा बाहर में ही बैठते हैं धूप में। और देखिए साथ में लक्ष्मी भी आई हुई है ना लक्ष्मी, और अभी धूप का मज़ा ले रही है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और कविता जी दोनों माँ बेटी अभी धूप ताप रहे हैं दोस्तों, तब तक चलते हम स्कूटी को धो देते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि सुबह में मिस्त्री जी आए हुए थे यानी कि हमारे मामू जी, और हमारा मशीन को ठीक कर दिए हैं, तो पानी भी पूरा एकदम चकाचक आ रहा है एकदम पूरा प्रेशर के साथ में। तो चलते हैं फटाफट अब स्कूटी को धोते हैं। देखिए बाहर स्कूटी भी निकाल लिए हैं और देखिए लक्ष्मी सब में पानी भी मार दी है, ये देखिए जहाँ जहाँ सकी वहाँ वहाँ पूरा पानी मार दी है। अब चलते हैं फटाफट पानी मार देते हैं। और देखिए ये रहा दोस्तों डॉक्टर साहब का गाड़ी, उनको भी मार देते हैं पानी। आज बहुत दिनों के बाद में स्कूटी को धो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है जल्दी धोने का, तो आज समय निकाल करके धो रहे हैं। तुम्हें गाड़ी में पानी मारी है ना लक्ष्मी? अच्छा चलो बढ़िया काम करती है, देखा कि धोवा लो। तो डॉक्टर साहब का गाड़ी धो दिए दोस्तों और डॉक्टर साहब चले भी गए, अब चलते हैं अपना स्कूटी फटाफट धोते हैं। देखिए स्कूटी में कितना ज़्यादा कीचड़ हो गया है, ये देखिए पूरा एकदम कादर लग गया है, और अंदर में तो और ज़्यादा है। इस सब को बढ़िया तरह से पानी मार के फुलाना पड़ेगा पहले। तो पानी पूरा स्कूटी में मार दिया है दोस्तों और देखिए फूल भी गया है। अब चलते हैं शैम्पू का घोल बनाते हैं और सब तरफ रगड़ते हैं। देखिए हमसे आगे आगे लक्ष्मी होती है धोने के लिए, क्या लक्ष्मी? और लक्ष्मी ही लेकर के आई है शैम्पू, क्या लक्ष्मी? अच्छी बच्ची है। आप शैम्पू को इस तरह से घोलेंगे पूरा झाग बन जाएगा, ये देखिए। तो शैम्पू को बढ़िया तरह से घोल लिए दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया झाग बना है। आप चलते हैं फटाफट रगड़ते हैं स्कूटी को। इसमें भर देंगे, देखिए लक्ष्मी अपना जुगाड़ बना रही है फूकना फुलाने के लिए, भरने के लिए बोल रही है। अब भर देते हैं थोड़ा सा, ले लक्ष्मी बाद में भर दो। हाँ हाँ जाओ उधर फुलाना जाओ। जाओ मम्मी को फुलाने बोलना। अपना कोई भी सामान हो दोस्तों बढ़िया से हिफाजत करना चाहिए, समय समय पे धो धा करना चाहिए, लेकिन क्या करें समय ही नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये सब को धो नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा टेंशन रहता है ना, घर का काम में पूरा एकदम बिजी रहते हैं, और जब से कविता जी बीमार पड़े हैं तब से तो और ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, क्योंकि इधर का भी काम देखना पड़ता है और इधर काम वगैरह कोई करने के लिए आते हैं। जैसे आज सुबह मामू जी आ गए तो उनको जो है सब चीज़ बताना पड़ा, उनको दिखाना पड़ा है कहाँ मोटर लगा हुआ है, कहाँ स्टार्टर है। देखिए और हम लोग का रास्ता इधर इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि क्या ही बोले, एकदम पूरा कवर गया है, एकदम पूरा मेटल निकल गया है। अभी तो दो चारों से धूप वगैरह उगा हुआ है इसलिए धूल उड़ रहा है, नहीं तो कल पूरा पानी देने लगा ना उसमें फिर मिट्टी हो गया है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी का शरारत है, ये देखिए पेन से लिख दी है। तो शैम्पू से सब जगह रगड़ लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसमें पानी मार करके पूरा एकदम चिकना कर देते हैं। देखिए ये सब में पूरा एकदम मिट्टी लग गया था, सबको पहले ही एकदम सब झाड़ लिए। देखिए सीट अब एकदम झलकने लगा। एकदम बराबर धोते रहने से ना इतना मेहनत नहीं लगता है,
लेकिन बहुत दिनों के बाद में धो रहे हैं ना, इसलिए काफ़ी समय लग गया धोने में। चलिए गाड़ी तो बढ़िया तरह से धोआ गया दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम चमकने लगा। देखिए पूरा एकदम गंदा हो गया था, चारों तरफ धूल बैठ गया था, लेकिन देखिए शैम्पू से एकदम धो दिए, पूरा चमकने लगा। चलिए गाड़ी धोने का तो काम हो गया, अब चलते हैं, मशीन बंद कर देते हैं जल्दी से। और देखिए कविता जी अभी तक बाहर ही बैठे हैं, थोड़ा ठंडा लग रहा है जी। अच्छा तो इधर छाया हो गया, धूप तरफ जाइए उधर। क्या लक्ष्मी, हम आ रहे हैं मशीन बंद करके। हाँ हाँ, और देखिए इस नाली में पूरा पानी जा रहा है दोस्तों, देखिए ये सब सारा गंदा पानी है, देखिए बह करके जा रहा है, इसलिए इसको बनाए हुए हैं। कभी कभार गाड़ी वगैरह धोएंगे तो सारा पानी जो है इधर ही से निकल जाएगा, और बरसात वाला पानी भी इसी से जाएगा, इसलिए इस तरह से नाली बना दिए हैं। अब ये सारा पानी उधर निकल जाता है बाहरी तरफ। तो अब चलते हैं दोस्तों, जल्दी से बंद कर देते हैं मशीन, अब लाइन छोड़ा देते हैं। ये देखिए अभी हम लोग का टेम्प्रोरी बना हुआ है मशीन कनेक्शन का, ये मामू जी को इसको बोले थे करने के लिए, लेकिन आज उनको टाइम नहीं मिला, इसलिए वो मशीन बना करके जल्दी से निकल गए और ये वाला काम अधूरा रह गया। यानी कि हमारा कलवर घर का काम पूरा भी अधूरा ही है, यहाँ पर बिजली का काम नहीं हो पाया है। तो अब देखते हैं मामू जी फिर कब समय देते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि पूरा भींग गए हैं गाड़ी धोते धोते, फटाफट नहाते हैं। तो नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों, और देखिए बढ़िया तरह से रेडी भी हो गए हैं, और अभी जा रहे हैं दोस्तों बाज़ार, क्योंकि आज साप्ताहिक बाज़ार लगता है, तो सब्जी वगैरह सब खत्म हो गया है, इसीलिए सोच रहे हैं कि सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं बाज़ार से। तो अब चलते हैं, झोला टांगते हैं गाड़ी में और सीधे निकलते हैं बाज़ार। और देखिए उधर लक्ष्मी को पूरा बालू में खेलने में लगी हुई है, इसका सिर्फ पेट भरना चाहिए। अब चलते हैं, गाड़ी नीचे उतारते हैं, देखिए गाड़ी नीचे नहीं उतर रही है। चलिए फटाफट चलते हैं दोस्तों सीधे बाज़ार। तो घर से हम निकल गए हैं दोस्तों, अब फटाफट सीधे बाज़ार ही चलते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, बाज़ार लग गया होगा। चलिए मेन रोड पकड़ लिए। तो अभी हम अपना बस्ती आ गए हैं दोस्तों, और ये देखिए ये रहा हम लोग का गाँव का मड़ई। तो अपना गाँव से भी हम निकल गए, अब सीधे चलते हैं बाज़ार। और शाम के समय में मौसम देखिए दोस्तों कितना मस्त है एकदम, ये देखिए। तो बाज़ार पहुंच गए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट सब्जी लेते हैं। देखिए बाज़ार लग गया है, देखिए इधर पूरा एकदम लाल लाल टमाटर है। कैसे किलो टमाटर? 80। बंधा गोभी कितना है वजन देखा? तो नींबू और गोभी ले लिए दोस्तों यहाँ पर। अब चलते हैं आगे और भी कुछ सब्जी देखते हैं। देखिए इधर कितना बड़ा बड़ा गोभी है, एक मुट्ठा बोदी ले लेते हैं। कैसे मुट्ठा है? तो सब्जी वगैरह ले लिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं राशन दुकान, वहाँ पर कुछ ले देते हैं कविता जी के लिए, टोस्ट लेने के लिए बोले हुए हैं। तो राशन दुकान आ गया दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट यहाँ पर राशन का सामान ले लेते हैं। टोस्ट दीजिएगा तो यहाँ से दाल पापड़ और टोस्ट ले लिए दोस्तों, ये सब कुछ डालते हैं। और मच्छर वाला हीट खोज रहे थे लेकिन अभी है नहीं, अब दूसरे दिन आएगा उस समय ले लेंगे, तब तक किसी तरह से काम चलाते हैं। तो अब चलते हैं फटाफट सीधे घर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, और अभी हम लोग घर तरफ काफ़ी हाथे वगैरह उतार रहे हैं, जल्दी से निकलना ही ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं दोस्तों घर। तो अभी आए हुए हैं दोस्तों होटल, तो यहाँ से कुछ पकौड़ी वगैरह ले लेते हैं। देखिए पकौड़ी तो अभी ख़त्म है, समोसा है, और अभी देखिए आलू चॉप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कितना मस्त आलू चॉप निकल रहा है एकदम गर्मा गर्म। इधर मीठा जी भी आए हुए हैं खाने के लिए। तो आलू चॉप ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं घर निकलते हैं सीधे। तो चलिए घर पहुँच गए दोस्तों, आते आते काफ़ी शाम हो गया। लो लक्ष्मी ये देखो तुम्हारा मिठाई, जा ये सब्जी है। आराम से चलो, आराम से
आते आते पूरा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा बैल बकरी ही मिलता है ना रास्ता में, ये एकदम आराम आराम से आना पड़ा, इसलिए इतना ज़्यादा लेट हो गया। और हल्का हल्का शाम भी हो गया है, ये देखिए पूरा बेरा डूब गया है, देखिए एकदम अंधेरा लगने लगा है। अब चलते हैं, सब्जी सबको भी इधर ही रख देते हैं। तो सामान वगैरह रख दिए हैं दोस्तों, और अभी निकल रहे हैं हम लोग बाहर तरफ, क्योंकि हल्ला बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हमको लगता है कि हाथी वगैरह आए हुए हैं ना, वही सबका हल्ला कर रहे हैं लोग, क्योंकि दो चार रोज पहले पूरा एकदम 20-25 को हाथी आए हुए हैं और इधर ही आ गए हैं हमारे ही एरिया में, तो वही सबका शायद हल्ला वगैरह हो रहा है। पूरा ये सब जंगल में ना उन लोग का रहने का पूरा जगह है, इसलिए शायद इधर ही आ गए हैं, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं शायद। तो हम लोग भी आ गए हैं देखने के लिए, अब इधर तो नहीं उतर रहे हैं, वही सब देख रहे हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा सन्नाटा हो गया दोस्तों, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि हाथी सब इधर उतरेंगे कि किधर उतरेंगे, पता नहीं लग रहा है। और हम लोग को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि माँ पिताजी भी नहीं है, और कोई गांव के लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं, और आमने सामने में घर भी नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। हम और कविता जी ही हैं यहाँ पर घर में, और एक छोटी बच्ची लक्ष्मी है, तो ये क्या करेगी, ये तो कुछ कर नहीं पाएगी। तो वही सबका डर लग रहा है कि इधर हाथी वगैरह उतरेंगे तो पूरा एकदम डर लग रहा है एकदम। देखिए इतना रात को बैल सब आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है। ये देखिए कौन इतना रात को ला रहे हैं, हाथी उथी के कंधे का हाला सुना है ना, हुंधी आती। अच्छा एखने बड़ी हाला कर ले गला, हिंदी तो ना भला लोग बन कहीं बढ़िया से जब तो ही ना। तो अब चलते हैं दोस्तों छत के ऊपर, वहीं पर जा करके देखते हैं किधर किधर आवाज़ सुनाई देता है। अब भी जाइएगा जी, चलने सकिएगा सीढ़ी, चलिए जी फटाफट चढ़ते हैं छत के ऊपर। लक्ष्मी को ले लीजिए, लक्ष्मी को ले लीजिए, ले लीजिए, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ दीजिए हमको दीजिए, चलो 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 जल्दी छत ऊपर चढ़ते हैं, चलो चलिए जी चलिए आराम से चढ़िए, और नहीं तो आप नीचे ही रहिए ना जी, यहीं हम ऊपर जा करके देखते हैं। चलो लक्ष्मी हम लोग जाते हैं छत के ऊपर, मम्मी क्योंकि चढ़ने नहीं पाएगी ना, इसलिए मम्मी को नीचे ही रहने बोले। हाँ चलिए अब छत ऊपर का दरवाजा खोलते हैं। चलिए छत के ऊपर आ गए, और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, ये देखिए चारों तरफ एकदम काला काला दिख रहा है, और देखिए कुछ मालूम नहीं चल रहा है दोस्तों, हाथी सब किधर है, कहाँ चले गए, किधर से उतरेंगे, कोई नमूना नहीं पता चल रहा है। तो अभी यहीं पर रहते हैं छत के ऊपर, चलो लक्ष्मी चलो, हाँ यहाँ रहो खड़ा रहो। चलिए छत ऊपर से नीचे आ गए दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं, बालकनी से भी दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा ही है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो लोग हल्ला कर रहे थे वो लोग भी शायद किधर चले गए, वो लोग का भी मालूम नहीं चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग को तो किसी तरह से रात तो बिताना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कोई उपाय तो है नहीं, माँ पिताजी भी घर पे नहीं है, और कविता जी का ऐसे भी हालत ख़राब है, पूरा एकदम बीमार है, और ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग को तो ऐसे ही रहना पड़ जाएगा। अब क्या करें, डर लगे चाहे कुछ भी हो, हम लोग को तो रहना ही पड़ेगा, है ना जी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।